हेलो गाइज, कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी लेकर के हूँ, जो आप लोग को काफ़ी पसंद, आप लोग देखते हैं इसे ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ मैंने आधे के जी के लगभग मशरूम लिया है, जिसे मैंने पानी में, जिसे काले नहीं पड़ेंगे। इसे आप चार भागों में कट कर लें, बड़ा मशरूम को आप छः भागों में भी कट कर सकते हैं, वो आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ मैंने दो तीन टमाटर लिए, जिसे मैंने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने दो प्याज को कट किया है, अदरक आधा इंच मैंने कट किया, लहसुन आप एक पोट मैंने लिया है, इसके छिलके हटा लें। यहाँ जीरा मैंने एक से डेढ़ चम्मच के लगभग लिया है। यहाँ देख सकते हैं, आपकी पानी गर्म हो चुका है, इसमें आप मशरूम को डाल करके अच्छे से इसे उबाल, एक से दो उबाल आने दें, जिससे ये सॉफ्ट हो जाए और रेसिपी इसकी अच्छी बन पाए। आप देख सकते हैं पानी खोल चुका है, इसमें अच्छे से ये उबल चुके हैं। अब आप इसे छन्नी की सहायता से छान ले और इसकी पानी पूरी निकाल ले, गैस को ऑफ कर दे। अब थोड़ी देर ठंडे होने दे, उसके बाद में मैं इधर तब तक मैं ग्राइंडर जार में डाल करके अच्छे से इसे, आप सारे पूरे निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं। इधर मैंने इसे ठंडे होने के लिए रख दिया। इधर मैंने पैन में दो चम्मच के लगभग तेल गर्म किया है, इधर ग्राइंड कर लिया है सारे मसाले को। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, तेल गर्म हो चुका है। आप इसमें इसे अच्छे से कम ही डालें, एक बार में अधिक न डालें, नहीं तो फ्राई करने में बनेगा नहीं। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से धीमे फ्लेम पे फ्राई करें, बराबर से इसे चलाते हुए फ्राई करें, जिससे दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए और सॉफ्ट हो जाए। जिस तरह से मैंने यहाँ पे फ्राई किया, उसी तरह से आप भी इसे फ्राई करें। इतनी टेस्टी और यम्मी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना ये गोल्डन हो चुका है। इसी तरह का होना चाहिए, जिससे ये और भी अच्छे से पक जाए और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा आ जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने तेल से सारे को निकाल चुके हैं मशरूम को फ्राई करके। आप यहाँ पे मैंने आधे चम्मच के लगभग जीरा, दो तेज पत्ता और लाल मिर्च मैंने 3 से 4 लिए हैं, आप दो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से, तेल ऑलरेडी गर्म हो चुका है पहले से, और आप इसमें ओनियन डाल करके इसे अच्छे से भूने, गोल्डन होने तक इसे भूने। उसके बाद में मैं ग्राइंडर जार में जो मसाले मैंने ग्राइंड किए थे, उसे आप इसमें डालें और कुछ सूखे मसाले भी ऐड करें इसमें, सबको अच्छे से मिलाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मटर भी छील लिया है, इसे अच्छे से छिलका हटा करके दाने निकाल लिए हैं, इसे धुल ले। इधर मैंने मसाले में, सूखे मसाले में मैंने यहाँ गरम मसाला, सब्जी मसाला आधी चम्मच के लगभग मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और आधी चम्मच के लगभग मैंने, आधी चम्मच से कम मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप तीखा जिस तरह का खाना पसंद करें उसके अनुसार आप डालें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गरम मसाला भी इसमें ऐड किया है, इसी तरह से आप भी एक चम्मच के लगभग आप गरम मसाला ऐड करें और सारे मसालों को अच्छे से आप मिक्स करें और इसे अच्छे से पकने दें। अच्छे से ये जब पक जाए, इसे मसाले से तेल निकलने लगे, इसका मतलब कि मसाला अच्छे से पक चुका है। इसे बराबर से चलाते हुए फ्लेम को धीमा ही रखें, यह ध्यान में रखें। आप फ्लेम धीमा रहने पर मसाले अच्छे से पक जाते हैं और जलते भी नहीं हैं। आप देख सकते हैं गोल्डन हो चुका है मसाला। अब आप इसमें टमाटर, मटर डाल दें, चुटकी भर नमक आप डालें, या अभी ही आप सामग्री के अनुसार हम नमक डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब आप इसमें टमाटर ऐड करें। यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। उसे भी हल्का सा भून लें अच्छे से, जिससे ये गल जाए, और गलने के लिए आप नमक का यूज करें इसमें। और मटर भी आप देख सकते हैं कितना फ्रेश मटर है, इसी तरह का आप भी लें, ताज़ा मटर लें, जिससे रेसिपी और भी अच्छी बने। यहाँ 1 से 1.5 चम्मच के लगभग मैंने नमक डाल दिया है, इसे भी अच्छे से आप मिलाते हुए मिक्स करें। सब सारे इंग्रेडिएंट्स को, मसाले और टमाटर अच्छे से पक जाए, उसके बाद में आप इसमें मशरूम डालें। अगर आप करी ग्रेवी अधिक चाहते हैं तो इसमें 1 से 1.5 गिलास के लगभग आप पानी ऐड करें, जिससे ग्रेवी अच्छी खासी बन जाए। और इसमें इसको डाल करके अच्छे से आप मशरूम डाल करके इसे मिक्स करें, और 1 से 1.5 गिलास मैंने पानी ऐड किया था यहाँ, देखिए। और आधे घंटे के लिए इसे ढककर पकाए और सर्व करें धनिया की पत्ती से गार्निश कर। इतनी टेस्टी और यम्मी होती है कि आप लोग इसे ज़रूर बनाना चाहेंगे और बनाएं, मुझसे शेयर करें कैसा बना है। इसे पूरी पराठे के साथ, चावल के साथ भी आप सर्व करें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।